अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड हाउस होल्ड अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुशी खुशी लॉकडाउन इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों को अगेन छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बच्चे फिर घर हैं हमारा सर खाने के लिए, और रूटीन जो है दोबारा से अपसेट हो चुकी है। लेट नाइट सोना और सुबह देर से उठना, तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी रूटीन जो है वो साथ साथ सेट रखूं। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे नाश्ता वगैरह करके दोबारा सो गए, मैंने सोचा कि मैं अपनी हंडिया रेडी कर लूं। किचन की हंडिया पकी हुई, ऐसे लगता है जैसे सारे काम हो गए। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दम का आलू कीमा। तो आलू कीमा बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैं सोचती थी कि मैं गर्मियाँ आ रही, गर्मी वाले कपड़े निकाल लूँ और सर्दियों वाले समेट लूँ, तो कोई ऐसी क्विक सी रेसिपी बनाऊँ कि बच्चे खुश होकर खा भी लें और जल्दी से भी पक जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg है हमारे पास मटन मिन्स, और 4 to 5 tablespoons है हमारे पास योगर्ट, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लेके इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया ताकि मसाला भी ज़्यादा से ना भूनना पड़े। इसके अलावा मैंने ले लिया है यहाँ पे एक अदद बड़ा सा टमाटो क्यूब, और यहाँ पे है मेरे पास गार्लिक पेस्ट, ये भी चॉप्ड है, और लेंगे हम 1/2 cup कुकिंग ऑयल, 2 अदद मैंने आलू ले लिए हैं जो मैं अभी साथ साथ छीलूँगी, और इसके अलावा जिसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, ये भी मैं साथ साथ बना लूँगी। और जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो कुछ यूँ है, ये है जिंजर पाउडर, पेपरिका पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सिनेमन पाउडर एंड सॉल्ट, पिंक सॉल्ट लेंगे। अच्छा, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना वो पिंक सॉल्ट लें, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा, पेट बहुत जल्दी अंदर चला जाता है इससे। थोड़ा सा अपना पोर्शन भी कंट्रोल करें। यहाँ पे मैंने लिया है 2 अदद कड़ी पत्ते, 2 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, और 1 अदद ये है दालचीनी का टुकड़ा। क्वांटिटी मैंने इसलिए मेंशन नहीं की कि ये कम और ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पाइस जो है कम रखा है, और कलर के लिए पेपरिका का पाउडर डाल लिया है क्योंकि मेरे बच्चों ने खाया, तो आप स्पाइस जो है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी चलिए चलते हैं और जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं, और अपने वॉक के नीचे सबसे पहले लिड ऑन करते हैं। स्टोव हमने ऑन कर लिया है, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अपना अनियन प्यूरी, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अपना मटन मिन्स, और ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था, और ये हाथ का कटा हुआ मोटा कीमा है, बारीक कीमा मुझे नहीं पसंद पर्सनली, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है वो मिक्स हो गया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अपना टोमेटो एंड गार्लिक, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अपना योगर्ट जो है 4 टेबल स्पून, इसके साथ इसमें जाएंगे सारे स्पाइसेस, बहुत आसान है, सारा कुछ डाल के बस रख दें इसको, खुद ही ये पक जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पानी कीमा गलाने के लिए, पानी इसलिए कम लिया क्योंकि प्याज में भी मैंने थोड़ा सा 4 to 5 tablespoons पानी डाला था, और टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इस पर लिड लगा के रख देंगे और इसको ओपन करेंगे 10 to 15 minutes में, जैसे थोड़ा सा सिज़ल होने लगे या बॉयल होने लगे फिर इसको ओपन करके थोड़ा सा हिला लेंगे। तो जी व्यूअर्स, कीमे को कुक होते हुए तकरीबन 20 minutes हो चुके हैं, और देखिए इसमें ये थोड़ा सा पानी भी बाकी है और मेरे कपड़े भी सिमट गए हैं। तो अब हम इसमें आलू जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिए हैं इसमें डाल देंगे, ताकि थोड़े से जो पानी है उसके साथ ही ये आलू भी गल जाएं, और जैसे ही आलू 70% गल जाएंगे तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे, और ड्यूरिंग भुनाई आलू जो है हमारे टोटली गल जाएंगे। और इसको फिर से लिड लगा के तो 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 5 मिनट में आलू 70% गल जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से काट के रखे हुए, तो मिलते हैं 5 मिनट में। तो आफ्टर 5 मिनट्स कुछ ये सिचुएशन है हमारे आलू की मेकी, तो हिला के देखते हैं, पानी ऑलमोस्ट जो है इसमें ड्राई हो चुका है,
अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप इसमें फुल कप भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। मैं इसमें हाफ के जी एंटर करूँगी कह रही हूँ डालूँगी। एक्चुअली आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के मेरी अपनी इंग्लिश भी ख़राब हो गई हुई है। और इसको इस तरह खुला रख के 10 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इस पर धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। देन आवर सालन ऑफ आलू कीमा इज़ डन। तो भूनते हैं इसको 10 मिनट और मिलते हैं 10 मिनट। तो जी माय डियर व्यूअर्स, ये देखिए कि मेरे को भूनते हुए लिड उतार के हम होंगे 10 मिनट और ये अच्छा सा जो है इसका ऑयल रिलीज़ हो चुका है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना धनिया और ग्रीन चिलीज़। अच्छा, ये ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, डायरेक्ट फ्रोज़न है और मैं इनको स्टॉक समेत डाल रही हूँ। मुझे जस्ट इनकी खुशबू चाहिए, मुझे तेज़ मिर्च नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इसमें रेड पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर वगैरह ऐड किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी और करारा सा खाना चाह रहे हैं तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं या काट के डाल सकते हैं। मेरी क्योंकि बच्चों ने खाना तो मिर्चे जो हैं कम ही बच्चे खाते हैं। तो एट द एंड हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे धनिया एज यू विश। हमारे घर ज़्यादा धनिया पसंद किया जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल दें। और चूंकि ये दम का कीमा है तो इसकी हम ऐसे लिड बिल्कुल कवर कर देंगे और फ्लेम जो है बिल्कुल पायलट पर कर देंगे, यानी बिल्कुल स्लो फ्लेम जो दम वाली आंच है। और इसको 10 मिनट्स के लिए दम देंगे ताकि इसमें अच्छे से धनिया और हरे मिर्चों का फ्लेवर आ जाए। तो हमारा सालन डन। तो मिलते हैं सालन के रेडी होने पर, मैं आपको उसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो जी व्यूवर्स, ये है हमारे आलू कीमे के सालन की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।